यस सर। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, छोटा सा मैं हल्का सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे वो एक बार ध्यान से समझ लें। कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किया था कल हमने डिस्कस किया था। तो एक्चुअली मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए ए का निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए डैश, इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही था, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान यस लीजिए, सर। ओके, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि यू मान लीजिए हमारा है 1 2 3 4, ठीक है, और ए मेरा है मान लीजिए 1 2, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए। अब यू माइनस ए का हमने देखिए डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो क्या था कि एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है। एक मिनट, चैट कौन कर रहा है बेटा? ये 5 6 7 8 9, निशांत एक मिनट रुको बेटा, मैं ना थोड़ा सा इनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ये हम डिफरेंस ऑफ सेट का ये कॉन्सेप्ट था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या वन, देखिए वन बिलोंग्स टू यू एंड वन बिलोंग्स टू ए, तो ये नहीं लेना है, टू भी नहीं लेना है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 3, 4, 3 और 4। ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ए के एलिमेंट के अलावा, ए के एलिमेंट के अलावा जो यू में एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका, एक आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि ए ए के जो एलिमेंट हैं उनके अलावा जो एलिमेंट यू में हैं वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट ये हैं, ठीक है, इनके अलावा यू में कौन से हैं? ये, तो ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ओके यस सर। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ए कॉम्प्लीमेंट का। जो बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे, कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वेन डायग्राम पे ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा बस आप सभी बच्चों का। तो मान लीजिए ये मेरा वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और मान लीजिए ये मेरा सेट है ए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखो कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जो यू के अंदर एलिमेंट्स हैं वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको मैं छोड़ूंगा, बाकी के जो ये एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये जितने भी होंगे ये मेरे क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं शेडेड पोर्शन करूं कि वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये होगा, ए को छोड़ के यू में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। जो बच्चे कल क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उन्हें कोई डाउट है तो मुझे एक बार जल्दी पूछिए, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? स्नेहा गुड मॉर्निंग, अभी और भी लोग दिखाई पड़े थे मुझे, कहाँ गए? चलिए स्नेहा, आपको क्लियर हुआ बेटा? ओके, वंश वंश तो खैर क्लास में थे कल, ठीक है। हरीज आईफोन, हरी बेटा अगर कल क्लास में नहीं थे आप तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया, अभी मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है। यस ओके चलिए, फिर अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन इज दिस, पहला मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन में, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? ओके यू माइनस, हाँ यू माइनस ए, ठीक है ठीक है, यू माइनस ए होगा बेटा। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे फिर उसमें, एक मिनट चैट। ओके मैं इधर ओपन कर लेता हूँ इसको। अर्चित पंडित 5 6 7 8 9, ओके निशांत ने आंसर पहले ही दे दिया था, वेरी गुड ठीक है। ओके सौरभ वेरी गुड, वेरी गुड, नेहा बाकी बच्चे हुए बच्चे हैं वो मुझे आंसर कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है ओके ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा? अब मैंने क्या बोला है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो यू के अंदर, यू के अंदर ए के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, देखिए अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये रहे, इनके अलावा क्या बचे, 5 6 7 8 9, ये मेरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। चलिए मुझे बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, वैसे ही देखिए बी में है 2 4 6 8, इनके अलावा यू में जो है तो इनके अलावा 1 3 5 7 9, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड बेटा अर्चित, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड वंश, वेरी गुड, ठीक है आप सबके आंसर एकदम करेक्ट हैं। ओके अब बात आती है ए यूनियन, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे बताइए क्या होगा? तो इसका दो, इसके दो तरीके हैं कि पहले आप ए यूनियन सी निकाल लो, ठीक है ए यूनियन सी क्या होगा? अब देखिए ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी आ जाएगा हमारा, मैं पहले तो सारे एलिमेंट्स ए के ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है बाकी सी में जो कॉमन है वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बचे हुए 5 और 6, ये मेरा आ गया ए यूनियन सी। अब इसका निकालना है मुझे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर इन एलिमेंट्स के अलावा जो बचे हैं, ठीक है वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, बाकी बचे कौन से, 7 8 9, ये मेरा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है निशांत। ओके तो अब मुझे बताइए नेक्स्ट ए यूनियन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो मैं डायरेक्ट करूं क्या, आप लोग बताएंगे मुझे। देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8, ठीक है तो 1 2 3 4 5 आ गया पहले, तो 6 है 7 आ जाएगा, 8 है बाकी का बचा 9, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड बेटा निशांत, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है बेटा 8 नहीं आएगा वंश, बहुत ध्यान से देखिए 8 नहीं आएगा, डाउट है तो पूछिए 8 क्यों नहीं आएगा वंश, अगर आपको समझ में आया कि 8 नहीं आएगा तो यस लिखिए। वंश समझ में आया 8 नहीं आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4, इसके अलावा 6 8, इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होंगे वो हमें लिखने हैं, ठीक है तो 5, क्योंकि 8 आ चुका है यूनियन में, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते समय 8 नहीं आएगा, ठीक है
इसलिए हमारा 579 आएगा केवल। वंश समझ में आया? अब मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये कल मैंने करवाया था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? निशांत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके सौरभ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। स्नेहा, वंश, अर्चित, अर्चित, सागर बिल्कुल ठीक है बेटा, सागर बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बाकी बच्चे भी कीजिए। स्नेहा वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने कल बताया था आपको, याद कीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली ए सेट लिख देना है, ए सेट कौन सा है, 1 2 3 4। ओके अब लास्ट वाला आंसर मुझे बताइए आप, फिर बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी क्या होगा देखिए, बी माइनस सी 2, 8, ठीक है। अब इसका निकालना हमें कॉम्प्लीमेंट, तो ये एलिमेंट्स छोड़ दीजिए यू में, बाकी सब लिख दीजिए कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 9। निशांत बेटा 6 नहीं आएगा आपके हिसाब से? वंश बिल्कुल ठीक, ठीक है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पहले देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, पहले b माइनस सी आपने निकाला स्नेहा, वेरी गुड बेटा, 1 3 4 5 6 7 9। निशांत और सौरभ एक बार दोबारा ट्राई कीजिए आप, पहले b माइनस सी निकालिए। तो b माइनस सी मतलब b के एलिमेंट्स लिखने हैं जो c में कॉमन नहीं है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, लेकिन इनमें से कौन से कॉमन हैं, 4 और 6, तो बचे क्या, 2 और 8, ठीक है। आप याद कीजिए डिफरेंस ऑफ सेट, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, देखिए अभी मैंने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था मैंने यू माइनस ए का, ठीक है। तो यू की जगह बी रखिए और ए की जगह सी रखिए, तो क्या आ जाएगा, x belongs to b, x belongs to b and x does not belong to c, तो क्या क्या आएगा, 2 8 आएगा। चलिए वेरी गुड निशांत बिल्कुल ठीक है, ठीक है आपका आंसर, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कुछ भी कैसे किसी भी तरह का डाउट कोई, यस और नो लिखिए। ओके वेरी गुड, तो यहां तक मैं क्लियर समझू? ओके सौरभ वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आंसर बताइए आप। वंश बहुत ध्यान से करो बेटा, आप बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन, टाइम ले लो नो प्रॉब्लम, बट सोच समझ के दो आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर आप कहो कि सर एक बार हम खुद कर लेते हैं आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें एक बार, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपने, सागर एकदम करेक्ट है आपका आंसर, एकदम करेक्ट, यस सागर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए बेटा, बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। पहला जो पड़ाव होता है
वो है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले यू को कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे यू जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है? तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये मेरा यू हो गया। यानी कि आप किसी भी तरह की ट्राइंगल ले लीजिए, हर तरह की ट्राइंगल इसमें आ जाएगी, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, ठीक है, सारी ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो सारी ट्राइंगल्स इस यू में आ जाएंगी। बाकी बच्चे बेटे एक बार ट्राई कीजिए आप, ठीक है? अर्चित नहीं बेटा, बहुत ध्यान से। अब आइए अब बात करते हैं, ये तो यू की बात हो गई। अब वो कह रहा है कि ए को क्या कैसे डिफाइन किया है, ये सबसे पहले देख लीजिए ए को कैसे डिफाइन किया है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। स्नेहा नहीं बेटा, नहीं, एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। ये मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसको समझ में आया तो उसके उसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक मैं समझूंगा क्लियर है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप ओके, तो ए को मैं बोलता हूं। अब देखिए, चलो पहले ए को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? ए को डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कोई और ट्राई करना चाह रहा है एक बार? मैं वेट करूं अगर कोई बताना चाह रहा है तो, अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ आपके सामने। चैट के थ्रू मुझे बताइए सॉल्यूशन करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो। अर्चित वेरी गुड, अर्चित आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सागर और अर्चित बहुत अच्छा, बहुत सही आंसर दिया आपने। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। वंश नहीं सौरभ, वंश कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। पहले हम ए को डिफाइन करते हैं। वो क्या कह रहा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो वो देखिए, एक ट्राइंगल हम मान लीजिए, ट्राइंगल ये है हमारे पास, तो सेट कैसे बना रहा है कि कम से कम एक एंगल अलग होना चाहिए 60 डिग्री से, कम से कम। यानी कि पहला ऐसा हो सकता है कि वन एंगल, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक केस ये हो सकता है, पहला केस, कि केवल एक, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम। तो मैं पहले उस केस को ले रहा हूं कि मान लीजिए कम से कम एक एंगल डिफरेंट है, ठीक है, हो सकता है कि दोनों एंगल 60 से अलग हो, तो दूसरा क्या बनेगा, टू एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सौरभ नहीं बेटा, तीसरा कि तीनों एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है? ये इन सब, ये सारी ट्राइंगल्स मिलके, ये सारी जो ट्राइंगल्स होंगी ये सब मिलके मेरा क्या बनाएंगी, सेट ए बनाएंगी, ठीक है? तो अब एक बात सोचिए कि इनके अलावा कौन सी ट्राइंगल बची फिर, ठीक है, इनके अलावा कौन सी ट्राइंगल बची, और वही मेरा आंसर होगा कि यू माइनस ए मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। कि सारी ट्राइंगल्स में से अगर मैं ये 1 2 3 वाली जो ट्राइंगल्स हैं इनको अगर मैं माइनस कर दूं, निकाल दूं,
तो कौन सी ट्रायंगल बचेगी? आंसर है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इक्वल और 60 डिग्री, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो, केवल वही ट्रायंगल तो बचेगी। ठीक है, तो यू माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? इक्विलेटरल, इक्वी लेटरल ट्रायंगल्स। जिस जिस बच्चे को ये समझ में आया है यस बोलिए, नहीं आया है नो बोलिए। एक बार दोबारा बताऊंगा बताऊंगा। स्नेहा वेरी गुड बेटा। देखिए क्वेश्चन वंश वेरी गुड। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सौरभ वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट, ओके मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। ओके ठीक है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन सब के लिए वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है। आप ये काम क्या करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके असाइनमेंट है, और आप सब मुझे ग्रुप पे नहीं भेजोगे, क्योंकि ग्रुप पे अगर किसी एक ने भेजा तो हो सकता है आप कॉपी कर लो। आप अलग अलग मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। ओके मेरा नंबर ग्रुप में है, वहां से आप मेरा नंबर ले सकते हो। ओके ये आपका असाइनमेंट है, ये मुझे आप कल करके बताओगे। ठीक है बेटा, प्रोसीड करें। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप एक बार, और जब नोट हो जाए यस लिख देना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का, ये रहा। ठीक है ओके वंश, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर अपन। ओके स्नेहा ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों ने नोट किया? ठीक है ओके ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, आपके एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे भी जो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मेनली क्वेश्चंस इसी से आते हैं जनरली। ठीक है ओके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करना। ओके मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो हैं 40। ठीक है ओके, उनमें से क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 20। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले हैं 25। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, बोथ स्पोर्ट्स। ठीक है, वो बच्चे कितने हैं, मुझे आंसर कीजिए।
अर्चित वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, वेरी गुड, वंश वेरी गुड, वंश वेरी गुड बेटा। कोई मुझे बता सकता है सर कि अच्छा ये तो आपने कैलकुलेशन कर ली कि 20 प्लस 25 इक्वल्स टू 45 माइनस 40 तो 5 बचे। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे सेट का रिलेवेंस क्या है कि कैसे मैं सेट थ्योरी अप्लाई कर सकता हूँ और सेट के थ्रू इसको निकाल सकता हूँ। कोई मुझे हिंट देगा, कोई गैस करेगा कि सर हम ऐसे कर सकते हैं। जो भी हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ठीक है, वेन डायग्राम ठीक है बेटा, ओके अर्चित ओके, तो अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब ओके, तो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारा एन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एन ए प्लस एन बी। कोई बताएगा अब आगे क्या लिखना है, एन ए प्लस एन बी क्या होगा फॉर्मूला? देखिए आप ध्यान से, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब अपना आंसर देखिए, जो आप लोगों ने 5 आंसर दिया है क्या वो यहां से निकाला जा सकता है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड सागर, वेरी गुड ओके सौरभ, ठीक है ये नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अपना क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन को इससे निकालने की कोशिश करते हैं। एन ये ए यूनियन बी क्या है, टोटल स्टूडेंट्स 40 इक्वल्स टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए मान लीजिए मेरा सेट है क्रिकेट वाला, बी मान लीजिए फुटबॉल का, ठीक है। तो एन ए कितना हो गया, 20 प्लस 25 माइनस ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। और यही हमें निकालना था, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा आपका, 5, ठीक है। ये नोट कर लो, नोट हो जाए बता देना मुझे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। 5 ठीक है, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड बेटा ओके। अब इसमें नेक्स्ट, अब ये बात थी अभी तक टू सेट्स की, जहां पे हम दो सेट्स का यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी ओके। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मैं इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो हमने ऊपर लिखा है अभी, ठीक है। इसको मैं वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को ओके। तो देखिए बेटा, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट ओके, ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो एन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या था, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, मुझे निकालना है यूनियन दोनों का, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए
और बी, यूनियन का मतलब क्या था, ए और बी। तो आप एक बात देखिए, इसको मैं यहाँ पे वेन डायग्राम पे समझाता हूँ, ठीक है, वेन डायग्राम पे कि ए और बी में क्या होंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, ए सेट ले लेता हूँ पूरा, ठीक है, ए सेट ले लिया। अब इसके साथ मैं, इसके साथ ये वाला जो सेट है, यहां से यहां तक जो बचा हुआ है, ये अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं, इसके साथ कंबाइन कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए बेटा, अब बहुत ध्यान से वेन डायग्राम पे, बहुत ध्यान से, ये लाइन मत लगाइए बेटा, कौन लगा रहा है इसको, कि ये जो मुझे निकालना है, ये जो है, ये अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा इसका आंसर, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये होगा जो मैंने इस थर्ड कलर से यहां पे किया है इसको रिप्रेजेंट, क्या ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा? समझ में आया तो यस लिखिए, ये अगर आपको समझ में आया है तो। मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा सेट जो यहां तक बी होना चाहिए, बी में से अर्चित पंडित नो, ओके सौरभ नो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, बड़े में थोड़ा समझ में आएगा। बेटा ये मत कीजिए आप, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे, ये रब कीजिए आप, बहुत डिस्टरबेंस होती है बीच में, ठीक है, ये पिछली वाली लाइन भी हटाइए आप, जो कोई भी लिख रहा है, ये लाइन भी हटाइए जो रेड है। बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करो, अगर आपको नहीं पढ़ना है आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए। ओके चलिए मैं इसको थोड़ा बड़े में लिखता हूँ, कि मान लीजिए ये मेरा वेन डायग्राम है, ओके, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया बी, ए बी, ठीक है, ओके। मुझे निकालना है यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या कहता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और अब एक बात देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कि इसका मतलब ये एलिमेंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ध्यान कीजिए, जब मैं आपको बता रहा था कि यूनियन निकालते समय, यूनियन निकालते समय आप क्या कीजिए, सारे एलिमेंट्स ले लीजिए ए और बी के, ले लिए। फिर मैंने एक लाइन बोली थी अगर आप लोगों को याद है तो, कि कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार लिखने हैं, उनको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं a प्लस बी करूंगा, अब आप देखिए a प्लस बी किया तो इसमें यूनियन जो इंटरसेक्शन है वो कितनी बार आया, a प्लस बी करते समय a इंटरसेक्शन b ये कितनी बार आया है मुझे इस चीज का वंश, वेरी गुड। और कोई बच्चा? नहीं बेटा सौरभ नहीं, बहुत ध्यान से मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कि अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, अर्चित ध्यान से सुनिए, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो a इंटरसेक्शन b कितनी बार आया? स्नेहा, सागर, वेरी गुड, और कौन कौन बच्चे हैं मुझे रिप्लाई कीजिए, सौरभ, अर्चित पंडित, बेटा जीरो, नहीं नहीं, एक बार a में, यस वंश बिल्कुल ठीक बोला आपने, वंश बिल्कुल, सौरभ वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा a इंटरसेक्शन b दो बार आया है, a प्लस बी जब मैं करूंगा तो a इंटरसेक्शन b दो बार आया है। और मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b, वो कितनी बार लेने, एक बार। इसका मतलब एक बार हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए
इसीलिए जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझ में आया सब बच्चों को कैसे ड्राइव किया ये हमने? यस लिखिए अगर आपको समझ में आया है तो, नो लिखिए अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे अभी, ठीक है? अभी मुश्किल से एक मिनट बचा है, ठीक है? आपकी क्लास कभी भी ओवर हो सकती है। ओके सर, एक बार ऊपर कर दो लिखने के लिए, लो बेटा। ठीक है वंश, अर्चित आपका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्माइली मत भेजिए, आप क्वेश्चन लिखिए बेटा।